नागपुर ओसाई नगर इलाके में वृद्ध दंपति ने की आत्महत्या। नागपुर कलमना थाना अंतर्गत ओसाई नगर इलाके में रहने वाली वृद्ध दंपति ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि दोनों कर्ज बाजारी होने से परेशान थे। बुधराम रामा कटरे और उनकी पत्नी रमीबाई का समावेश है। कटरे दंपति को दो बेटे हैं। दोनों मोदा के निमखेड़ा परिसर में रहते हैं। बुधराम और रमीबाई घर में ही छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। जानकारी मिली है कि आर्थिक हालत खस्ता होने के कारण दोनों ने परिसर में रहने वाले कई लोगों से कर्ज ले रखा था। लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे। पैसे वापस करने में असमर्थ होने के कारण दोनों काफी ज्यादा परेशान थे। शुक्रवार की रात दोनों ने अपने घर में विष प्राशन कर लिया। बेटा जितेंद्र शुक्रवार की रात अपनी कंपनी के काम से नागपुर आया था। शनिवार की सुबह 6 बजे के दौरान वह माता पिता के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन भीतर से जवाब नहीं मिला। जितेंद्र को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने परिसर के नागरिकों को मदद के लिए बुलाया। दरवाजा तोड़ने पर गुजराम और रामीबाई बेहोशी की हालत में दिखाई दिए। मुंह से झाग निकल रहा था। तुरंत दोनों को उपचार के लिए मेयो अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच करते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। बुधराम और रामीबाई किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उम्र दराज होने के बावजूद दोनों किसी तरह अपनी गृहस्थी चला रहे थे, इसलिए कई लोगों से पैसे उधार ले लिए थे। दुकान बंद होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो गई। इसी तनाव में दोनों ने आत्महत्या की। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं।